किया, क्योंकि डेटा हाथ से देख के हमें पता चलता है वैल्यूज बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी टू यू नो इंटरप्रेट द डेटा। सो वी मेड सर्टन ऑब्जर्वेशंस लाइक व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एमपी इंक्रीजेस, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एमपी फॉल्स, when tp is maximum and constant mp becomes zero, when tp starts falling mp becomes negative, and mp can be calculated from and tp can be calculated from. सो हाउ टू एनालाइज दी डायग्राम, डायग्राम से हमें क्या पता चलेगा इनके बीच के रिलेशनशिप को, ठीक है। सो फर्स्टली वी कैन सी टीपी इज पॉजिटिवली स्लोप्ड टिल दिस पॉइंट, इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड विच मीन्स टीपी इज इंक्रीजिंग, बट देन इज देयर एनी डिफरेंस इन दिस टिल दिस पॉइंट, this curve is convex in shape, after this point it becomes concave, theek hai। so iske liye maine aapko kal bhi bataya tha, agar ek curve jo ki upward sloping hai aur uski shape aisi hai straight, to iska matlab it is increasing at constant rate। agar ye curve aapke marks ke bare mein bata raha hai aur ye upward sloping hai, इससे हमें दो बातें पता चलेंगी, एक आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, स्टडी आवर्स के बढ़ने से आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, दूसरा आपके मार्क्स कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहे हैं, यानी हर टेस्ट में या हर स्टडी आवर बढ़ाने से दो मार्क्स बढ़ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, दिस इज द पैटर्न ऑफ योर टोटल मार्क्स। बट अगर आपका टोटल मार्क्स का कर्व ऐसा है, मैंने आपके पेरेंट्स को आपकी रिपोर्ट कार्ड दी, उसमें मार्क्स नहीं लिखे हुए क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है बच्चों को मार्क्स से जज नहीं करना, लेकिन पेरेंट्स को बताने के लिए कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, हमने उसमें इस तरह से ये टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट है, ये टोटल मार्क्स है, ये ग्राफ दे दिया। तो क्या कंक्लूजन इससे ड्रॉ होनी चाहिए, टोटल मार्क्स आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, convexity implies marks are increasing at increasing rate। agar teesre students ke marks ka curve aisa hai, marks are increasing but at diminishing rate, theek hai। to ab yahan pe dekhte hain hum, is point tak yani till 3 units of variable factor are employed, total product is increasing at increasing rate, yes, and what is the behavior of MP here, till this point what is the behavior of MP, MP also increases, yes। to pehla point relationship ka kya hua, number 1 when TP is increasing at increasing rate MP also increases, right। उसके बाद देखो 3 units के बाद अभी भी total product बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये shape change होगी इसकी, अब क्या है ये concave है, इसका मतलब TP is increasing at diminishing rate। now let us see what is the corresponding behavior of MP, जब TP ने डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ना शुरू कर दिया तो एमपी का क्या बिहेवियर, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग। सो सेकंड पॉइंट, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट एमपी फॉल्स। फिर इस पॉइंट पे देखो व्हाट इज टीपी, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, corresponding to this MP is zero। so third point kya hua relationship ka, when TP is constant
एंड मैक्सिमम एमपी बिकम्स जीरो, ठीक है। उसके बाद पीपी स्टार्ट्स, तो एमपी बिकम्स, सो फोर्थ पॉइंट, व्हेन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग एमपी बिकम्स नेगेटिव। सो दिस वी कैन कंक्लूड, एनालाइज और इंटरप्रेट फ्रॉम दिस डायग्राम द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट, उसके लिए फिर से मैं ये टेबल ड्रॉ कर रही हूं। टीपी 259, 12, 14, 15 and 14, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, -1, एपी 2, 2.5, 3, 3, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7. Note it down. Along with this, we will be drawing the diagram as well. यहाँ पे हम सिंगल डायग्राम में एपी और एमपी बनाएंगे. So take this. We will be taking variable factor on x-axis. You have to draw along with me. Don't just keep on looking. एपी और एमपी बनाने हैं तो वाई एक्सिस पर एपी और एमपी ले लेंगे। सो वन का स्केल ले लेते हैं इधर भी, एपी एमपी जो हम सा कर्व बनाना है वो वाई एक्सिस पर लेते हैं। दिख नहीं रहा वैसे आपको यांशु है, मर्ज कहां किया मैंने, स्लैश डाला है, मतलब एपी कर्व भी बन सकता है एमपी कर्व भी बन सकता है। बेटे आई डोंट थिंक यू नीड टू कम टू बुक स्कूल हरसिमरन, you have all the books available with you, right? Books are your best friends, so remain at home, study the books. You don't need a lecture from a teacher, right? No, you don't need, right? That's why I'm telling you to remain at home and see anything you want to. Aapko practice ki zarurat to hai hi nahi hai bachche. Term 2 is not objective type. If any of you are having this misconception, यहां पर भी आपको डायग्राम बनाने नहीं पड़ेंगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सब्जेक्टिव है। ओके सो लेट्स ड्रॉ यहां पे 1 to 8, वन है अगर वेरिएबल फैक्टर तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है 2, 2 पर 3, 3 पर 4, बी क्वाइट, देन 3, 2, 1, 0, -1, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास आपका एमपी कर्व, ठीक है। अब एपी कर्व देखते हैं, 1 पर 2, 2 पर 2.5, 3 पर 3,
4 पर 3, देन 5 पर 2.8, टू पॉइंट फाइव, टू पॉइंट वन, 1.7. Join these. You get AP curve. सो हम एक ही बार ही एनालिसिस करेंगे इसका डायग्राम का, टेबल और डायग्राम से इकट्ठा एनालिसिस करते हैं इनमें एमपी और एपी में रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, अब देखो ये एमपी कर्व है, एपी कर्व है. थोड़ा सा अगर आप इसको जनरल व्यू पॉइंट देखो, दोनों की शेप यू है, दैट इज बोथ ऑफ देम एट फर्स्ट राइजेस देन स्टार्ट्स फॉलिंग. बट इनिशियली एमपी कर्व इज अबव एपी कर्व. देखो एमपी कर्व एपी कर्व के ऊपर है, आफ्टरवर्ड्स एमपी कर्व इज बिलो एपी कर्व. है ना, ऐसी है, पहले एमपी के एपी के ऊपर है, फिर एमपी एपी के नीचे. फर्दर इसको डेप्थ में देखो, एमपी कब एपी के ऊपर है, जब तक ये इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और कब ये एपी के नीचे है, जब ये फॉल हो रहा है. ठीक है, ये जनरल व्यू पॉइंट. नाउ पॉइंट पे पॉइंट हम इसको डिस्कस करते हैं. So long as MP is above AP, यहां तक देखो MP AP के ऊपर है, सिर्फ यहां तक देखो. Yes. अब जब तक MP AP के ऊपर है, AP का क्या बिहेवियर है, स्ट्रेट राइजेस, इट इज राइजिंग अपवर्ड, है ना. देखो तो ये हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं इनमें कि जब तक एमपी की वैल्यू एपी से ज्यादा है, एपी राइज करता है. ठीक है, आप इसको एक बार ही समझ लीजिए, फिर मैं आपको टिप्स दूंगी जिससे आप इजिली इसको लर्न कर लोगे, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन अभी सिर्फ एनालिसिस करो, टिप्स बाद में. सो लॉन्ग एज एमपी इज अबव एपी, एपी राइजेस. ठीक है, जब तक एमपी की वैल्यूज एपी से ज्यादा हैं, इधर देख लो एमपी की वैल्यू एपी से ज्यादा है यहां तक, तब तक एपी का क्या बिहेवियर है, राइज कर. ठीक है, उसके बाद देखो जब एमपी की वैल्यू एपी से नीचे आ गई, ये एमपी कब है ना, ये एपी के नीचे आ गया, अब एपी का क्या बिहेवियर है, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग, डिक्रीज. यस, देख लो इधर, जब एमपी की वैल्यूज एपी से कम आ गई, आ गई ना कम, इससे एपी स्टार्ट्स फॉलिंग. देन एपी इज मैक्सिमम, जब एपी की वैल्यू क्या है, टॉप पे है, अपने टॉप पे है एपी, एमपी की वैल्यू क्या है,
इक्वल टू एपी, देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों को, इंटरसेक्शन का मतलब बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, टेबल से भी देख लो, एपी इज मैक्सिमम हियर, सो एमपी बिकम्स इक्वल टू एपी, उससे ऊपर थ्री है ना, पर कांस्टेंट नहीं है ना, यहां पे आके पता चलेगा ना वो कांस्टेंट और मैक्सिमम है, ठीक है, इसके बाद ही पता चलेगा ना। तो जब वो अपने टिका रहा एक जगह पे तो एमपी उसके पास आ गया, ठीक। चौथा पॉइंट रिलेशनशिप का, एमपी जीरो भी है नेगेटिव भी है, एपी जीरो या नेगेटिव नहीं है, एपी स्टार्ट्स कीप्स ऑन फॉलिंग बट इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्ट है ना, एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्कर्स की, वो जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। नाउ डू आई गिव यू टिप्स हाउ टू लर्न इट, ओके, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, एमपी स्टैंड्स फॉर योर पेरेंट्स, मम्मी पापा, ठीक है, ऐसे याद करने के टिप्स हैं बेटे, बाकी इट्स अप टू यू, आपने ऐसे करना है तो भी ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक, मेरा ये एक्सपीरियंस है बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, एपी स्टैंड्स फॉर यू, आप, ठीक है। सो सो लॉन्ग एज आवर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स आर अबव अस वी राइज, सो सो लॉन्ग एज एमपी इज अबव एपी, एपी राइजेस, यस, व्हाट इफ योर, यू डू नॉट सीक योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, आपके पेरेंट्स की आपने रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी, तो फिर आप फॉल करोगे। सो व्हेन एमपी लाइज बिलो एपी, आपके नीचे आ गए आपके पेरेंट्स, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी, ब्लेसिंग्स लेनी बंद कर दी, एमपी फॉल हो गया, एपी ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग, आया समझ, याद रहेगा, जब तक हमारे मम्मी पापा हमारे ऊपर हैं हम राइज करेंगे, सो लॉन्ग एज एमपी लाइज और एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी राइज, लिख लो, फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी ऑब्जर्व्ड बिटवीन एमपी एंड एपी, फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी ऑब्जर्व्ड बिटवीन एपी एंड एमपी, नंबर वन, सो लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी राइजेस, जब तक, सॉरी, इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन ट्वाइस, सो यू नीड टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। देन व्हेन एमपी लाइज बिलो एपी, अब एपी का क्या बिहेवियर होगा, एपी विल फॉल, मैंने कहा जब आपके मम्मी पापा आपके नीचे आ गए तो आपका डाउनफॉल है, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग। देन ये मैंने रिलेशनशिप का पॉइंट बनाया, जब एपी मैक्सिमम है तो एमपी एपी के बराबर, अगर आप लाइफ में अपने टॉप पे हो यू विल वॉन्ट योर पेरेंट्स टू बी विद यू, यस, तो व्हेन एपी इज मैक्सिमम, जब आप टॉप पे हो मैक्सिमम हो, MP becomes equal to AP, right? ठीक है, ऐसे याद रहेंगे, so easy to remember, बाकी आपके ऊपर है आपने किस तरह से लर्न करना है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है,
एमपी मे बिकम जीरो और नेगेटिव। मम्मी पापा के पास जीरो मनी या नेगेटिव में जा सकते हैं, लेकिन आप गिर सकते हो, फॉल कर सकते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको कभी जीरो पर आने नहीं देंगे। एपी कंटिन्यूज टू फॉल बट नेवर बिकम इक्वल टू जीरो और नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट्स है रिलेशनशिप के बिटवीन एमपी एंड एपी, एंड दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। आपको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा? Got it? चले आगे। Next topic इसमें law of variable proportions. Law of variable proportions, also known as short run production function. Sit straight, please. And wear your mask. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, एज इज क्लियर दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम ये देखना चाहते हैं कि एक प्रोड्यूसर जब इनपुट बढ़ाता है तो आउटपुट में किस तरह से चेंज आता है। ठीक है, अभी तक हमें ये पता चल गया कि शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर। एंड आउटपुट इन द शॉर्ट रन कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स। सो व्हाट हैपेंस व्हेन अलोंग विद वन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयर और प्रोड्यूसर एम्प्लॉयज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। You don't have to say more and more variable factors. क्या कहना है? More and more units of or doses of variable factor. How does output changes? What is the behavior of output? So this law states that when it so happens, when in the short run, producer employs more and more units of variable factor along with the fixed factor of production, total output changes but at varying rates. How does total output change? Aap sab kar chuke ho, isko main brief hi kar rahi hu. How does total output change here? At first it increases at increasing rate, then it increases at diminishing rate, then comes a stage when total output starts falling. अपने आप को एक प्रोड्यूसर की जगह रख के देखो, आपने आउटपुट बढ़ानी है, उसके लिए आप लैंड नहीं बढ़ा सकते, आप उसके ऊपर लेबर की डोजेस बढ़ाते जा रहे हो तो आपकी आउटपुट ऐसा नहीं है दो से चार, चार से छह से आठ, आठ से दस होती रहेगी, कांस्टेंट रेट पे नहीं बढ़ेगी। किस रेट पे बढ़ेगी? एट फर्स्ट इट विल इंक्रीज एट, देन इट विल इंक्रीज एट, एंड देन अ स्टेज विल कम जब आप उसी लैंड के ऊपर स्टॉप इट वेरिएबल फैक्टर इतना ज्यादा डाल दोगे कि आउटपुट ना तो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी ना डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगी, इट विल स्टार्ट फॉलिंग। आपको हम कह रहे हैं पढ़ लो, आपने एक घंटा पढ़ाया, दो घंटे पढ़ाए, चार घंटे पढ़ाए,
अब ह्यूमन माइंड है, रेस्ट भी चाहिए। अगर आप 7 घंटे के बाद 8वां घंटा पढ़ोगे तो क्या होगा, आप एग्जाम में बैठोगे, आपको आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, आपका माइंड टायर्ड होगा, तो आपके मार्क्स बढ़ने की बजाय कम हो जाए। यस, सो सेम हैपन्स व्हेन अ प्रोड्यूसर एम्प्लॉयज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर अलोंग विद द फिक्स्ड फैक्टर, टोटल आउटपुट इंक्रीजेस एट देन एट एंड देन एट देन इट स्टार्ट्स फुल। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब हर लॉ की कुछ ना कुछ एजम्पशंस होती हैं। ये लॉ भी तभी एप्लीकेबल होगा, यानी प्रोड्यूसर की आउटपुट इन 3 स्टेजेस में तभी चेंज होगी अगर हम कुछ चीजें एज्यूम करेंगे। क्या एजम्पशंस हैं? फर्स्ट, सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड वन फैक्टर इज वेरिएबल। पहली एजम्पशन क्या लेनी है? सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड वन फैक्टर इज वेरिएबल। फिर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज इन डिफरेंट प्रपोर्शंस, इनकी जो प्रपोर्शन है फिक्स्ड इज टू वेरिएबल की वो सेम नहीं है, इट चेंजेस। मैं लिखवा दूंगी, आप सिर्फ सुन लीजिए। इट चेंजेस इन डिफरेंट प्रपोर्शंस। फिर हमने ये अजम्पशन ली कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो टेक्नोलॉजी है वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। वो क्यों? अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाएगी तो टोटल आउटपुट हमेशा इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा और कोई स्टेज आने की नौबत नहीं पड़ेगी। सो इन ऑर्डर फॉर दिस लॉ टू बी एप्लीकेबल वी टेक दिस अजम्पशन दैट टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देन अनदर अजम्पशन दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, That is, they are equally efficient. अगर second worker लगाया, इसकी efficiency same as that of first. अगर 8th is more efficient than 7th, then total output will not fall. Rather, it may start increasing. मैंने आपको 7 students दिए थे, 8th दे दिया और वो बहुत बड़ा artist है, तो आपकी चार्ज की प्रोडक्शन कम होने की बजाय बढ़ जाएगी।